अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। इस मंत्र के साथ पूर्वी दिल्ली निगम ने इस कोरोना काल के अंदर भी बहुत सारे काम ऐसे किए जनता के हित के लिए, जरूरतमंदों की मदद के लिए। जिस समय कोरोना संकट आया उस समय निगम के सभी अध्यापकों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, हमारे निगम वासियों ने भी किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किया है, और निगम के एक एक कर्मचारी कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका के साथ काम किया है। और जब कोरोना लॉकडाउन समाप्त हुआ, कोरोना की वैक्सीन भी आ गई, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भी निगम ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, और इसके साथ ही साथ जो कोरोना लॉकडाउन में बच्चे नहीं आए, स्कूल बंद रहे, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन लगातार जारी रही, और लगभग 2.25 लाख बच्चे जो पूर्वी दिल्ली के 357 विद्यालयों में चलते हैं, उनमें लगातार हमारे एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन रोमेश गुप्ता जी, अधिकारीगण, उनके प्रयासों से ऑनलाइन शिक्षा का कार्यक्रम लगातार जारी रहा, जिसके कारण से लगभग 38,000 नए एडमिशन इस कोरोना संकट के दौरान भी हुए हैं। इसके लिए मैं पूर्वी दिल्ली निगम को बहुत बधाई देता हूं। और इस बीच में एक ऑनलाइन मेगा पीटीएम का भी आयोजन हुआ, जिसमें जो अभिभावक थे, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने जो बातें पूर्वी दिल्ली निगम के बारे में बताई कि किस तरह हमारे निगम के अध्यापक बच्चों के भविष्य के लिए, उनको बेहतर शिक्षा मिले इसके लिए कितना चिंता के साथ, कितनी मेहनत के साथ, कितने समर्पण के साथ काम करते हैं, ये ना मैं कह रहा हूं, ना कोई निगम पार्षद कह रहे हैं, ना मेयर कह रहे हैं, ये वहां के बच्चों के अभिभावकों का कहना था कि पूर्वी दिल्ली निगम इस कोरोना संकट में भी पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ के अध्यापक गण भी काम कर रहे हैं। अभी जब पूर्वी दिल्ली निगम के एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन ने मुझे बताया, इससे पहले भी बात हुई कि निगम एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में कितना कंसर्न है, कितना आगे बढ़ के प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं, इसका एक बहुत अच्छा और ताजा उदाहरण यह कि यमुना खादर में लगभग 4,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही। अभी 400 बच्चों को ईडीएमसी शिक्षा दे रही है उनमें से, और देखिए दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री और दिल्ली सरकार अपने एजुकेशन मॉडल की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए पूर्वी दिल्ली निगम के स्कूलों को देखिए, ये जो बेहतर बिल्डिंग बनाई है, आपने फंड नहीं दिया है, आपने फंड में कटौती की है, लेकिन हमने अपना जज्बा और उत्साह नहीं छोड़ा है, इसीलिए निगम लगातार काम कर रहा है। और यमुना खादर में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, हमारे मेयर और पूर्वी दिल्ली निगम की पूरी टीम ने वहां पर एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि हमें जमीन उपलब्ध कराई जाए, हम वहां के बच्चों को जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो शिक्षा से वंचित हैं, दिल्ली सरकार का भी वहां कोई ध्यान नहीं है, वो सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो यहाँ जब पूर्वी दिल्ली के मेयर और पूर्वी दिल्ली निगम के अधिकारियों ने जब एलजी साहब से बात की, चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने बहुत जल्दी ही यमुना खादर में कोटा केबिन का स्कूल बनाने का पूर्वी दिल्ली ने निर्णय लिया है, जिसका फैसला ही जल्दी होने वाला है। 2,000 से ज्यादा बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे।
मैं जानता हूं कि आज दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का झूठा प्रचार पूरे देश के अंदर हो रहा है, और वो लोग जो दिल्ली की जनता टैक्स के रूप में उनको पैसा देती है, वो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए होता है, वो दिल्ली के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए होता है, लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ, आपने देखा होगा कि इस समय टीवी पर करोड़ों रुपए खर्च करके एक विज्ञापन चल रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के अंदर बहुत काम किया, और हमें और आप लोगों को भी सुनकर हैरानी होगी कि जिस समय दिल्ली में कोरोना के दौरान लोग परेशान थे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, अस्पतालों की व्यवस्थाएं चौपट थी, उस समय केंद्र सरकार ने और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयासों से सिर्फ एक महीने के अंदर 10,000 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल बनाकर दिया था। और यही नहीं, तीनों निगमों ने मिलकर कई जगह आइसोलेशन सेंटर हो, कोविड केयर सेंटर हो, वो बनाने का काम किया था। और अगर उन्हें दिल्ली की वास्तव में चिंता होती, अगर वो वास्तव में दिल्ली के गरीब लोगों की, दिल्ली के जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग की चिंता होती, तो यहां से दिल्ली से मजदूर पलायन करने पर विवश नहीं होते। अगर उन्हें चिंता होती तो वह निगमों को जो उनका 13,000 करोड़ रुपए का फंड है वो वापस करते देते, ताकि निगम के सफाई कर्मियों को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को समय पर हम वेतन दे सकते, निगम वेतन दे सकता। अगर उन्हें चिंता होती तो यमुना खादर में स्कूल बनाने का अभियान दिल्ली सरकार करती, निगम को आगे नहीं आना पड़ता। लेकिन मैं निगम के जज्बे को, निगम के उत्साह को, निगम के दृढ़ इच्छा शक्ति को मैं नमन करता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जनता की सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए निगम पार्षद और मेयर और पूरे निगम के अधिकारी लगातार पूर्वी दिल्ली निगम में बेहतर काम करने के लिए लगे हैं। मैं एक बधाई और देना चाहता हूं कि मिड डे मील के दौरान, कोरोना के दौरान जो मिड डे मील का राशन और मिड डे मील बच्चों को नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए एक अनूठी पहल पूर्वी दिल्ली निगम के द्वारा हुई है। घर घर उनके अभिभावकों को बच्चों का मिड डे मील के बदले जो राशन है वो उनके घर पर पहुंचाने का काम पूर्वी दिल्ली निगम ने आरंभ कर दिया है, और पूरे 2.25 लाख बच्चों को वो पूर्वी दिल्ली निगम की ओर से मिड डे मील बिल्कुल फ्री अवकाश दिया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं निगम के विद्यालयों में बच्चों को मिलती है, मिड डे मील हो, उनकी ड्रेस हो, स्कूल बैग हो, जुराबे हो, हर सुविधा आज निगम के विद्यालयों में मिलती है। और वहां यहां पर वो बच्चे पढ़ते हैं जो कमजोर वर्ग से आते हैं, जो गरीब बस्ती से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि वहां से गुदड़ी के लाल निकलते हैं जो दिल्ली और देश को बेहतर बनाने का काम करेंगे। वो निगम के विद्यालयों में बच्चे निकलकर वो देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि हमारे जो निगम के टीचर्स हैं उन्होंने प्रण लिया, उन्होंने संकल्प लिया है हम देश के लिए बेहतर नागरिक बनाने का काम निगम के अध्यापक, निगम के हमारे अधिकारीगण करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर कंचन महेश्वरी जी और निगम के अधिकारियों का और पूर्वी दिल्ली की पूरी मेयर समेत पूरी टीम का बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक विपरीत परिस्थितियों में लगातार वो विकास करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जिसके अंदर काम करने की संकल्प शक्ति आ गई है, फिर चाहे कितनी भी चुनौती आ जाए, चाहे दिल्ली सरकार कितना भी रोक ले, जनता भी उन्हें देख रही है और हमारे जज्बे को कोई भी कम नहीं कर सकता है।